ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशी और आप देख रहे हैं बोर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कल यानी कि 19 फरवरी को हमारे कौन से इंट्राडे वॉचलिस्ट होंगे, कौन से स्टॉक बाइंग के लिए होंगे, कौन से स्टॉक सेलिंग के लिए होंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जब बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है कोल इंडिया। अभी कोल इंडिया मैंने क्यों लिया, तो कोल इंडिया में आप देख रहे हो तो आपको इधर एक इनसाइड बार दिख रहा है और एक डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। देखो ये आपका चार्ट नीचे जा रहा है, ऊपर गया नीचे गया, मतलब दोनों के लो नीचे है, इसका लो इससे नीचे है। तो आप देख रहे हो इधर RSI, RSI क्या है कि पहले ही ये अबव निकल चुका था तो डाइवर्जेंस भी देखने को इसमें मिला है। सो इसीलिए क्या है कि एक बुलिश साइन होती है डाइवर्जेंस। और आप देख रहे हो ये इनसाइड बार बना है, जो सेकंड कैंडल है वो देखो, इसमें वॉल्यूम देखो, आपको एक अच्छी सी वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कल ये आपको अपसाइड दे। अगर आप इसे 1 आवर्स पे भी शिफ्ट करते हो तो आपको वहां क्या देखने को मिलेगा, तो आप देखिए पहली 2 कैंडल ओके नॉर्मल रेड चल रही थी, बाद में फिर से इधर एक इनसाइड बार बनाया, उसकी कंफर्मेशन मिली और बाद में अपसाइड मिला। और आप जब अपसाइड जा रहे हो तब आप इसमें वॉल्यूम देखो तो इंक्रीज मोड में वॉल्यूम है। तो हो सकता है कल कोल इंडिया आपको एक अपसाइड देखता हुआ दिखे, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगाओ, कोल इंडिया को कल बाय के लिए लेके जाओ। अगर कोई इसमें आपको बाय सिनेरियो देखने को मिलता है तब आप इसमें अपनी पोजीशन बाय के लिए बना सकते हो। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है तो वो देख लेते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है NCC। तो इसको मैंने क्यों लिया है, तो नॉर्मल सी बात है, 1 डे पे जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो इसमें आपको एक हैमर टाइप कैंडल मिले, तो इसीलिए मैं इसको कल लेके जा रहा हूँ। हो सकता है कल ये आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कोई बाइंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही आप इसमें अपना ट्रेड बना सकते हो। और नॉर्मली जब आप इसको छोटा टाइम फ्रेम पे क्या है शिफ्ट करोगे तब आपको इसमें मैं आगे दिखा दूंगा, लेकिन पहले ये देख लो। तो इसमें अभी ये जो हाल फिलहाल हैमर बना है ये कहाँ बना है, तो हैमर जो बना है ये आपकी फॉलिंग सपोर्ट लाइन के आसपास बना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि फॉलिंग सपोर्ट लाइन के आसपास एक बड़ी सी वॉल्यूम के साथ इसमें हैमर देखने को मिला है। सो इसीलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं बाइंग के लिए। अगर मेरे को कल इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम इसमें बाइंग के लिए जाएंगे। इसको मैं 1 आवर्स पे जब शिफ्ट कर लेता हूँ तब आप इसमें देखिए टाइम फ्रेम शिफ्टिंग में क्या देखने को मिलता है, तो सेम है पहली बड़ी कैंडल, लेकिन जो अनडिसीजनल कैंडल है उसमें वॉल्यूम भी ज्यादा, मतलब ये पूरा ट्रेंड चेंज करने की क्षमता रखती है एक सिंगल कैंडल, क्योंकि वॉल्यूम भी है और अनडिसीजनल। अगर इसमें मेरे को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है कल तब हम इसमें बाइंग करेंगे, लेकिन पहले आपको प्रॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो नॉर्मली NCC हम क्यों लेके जा रहे थे, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें क्या मिला है, हैमर देखने को मिला है। बाद में इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है, इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है आपका मदरसेन सुमी। अभी मदरसेन सुमी मैं बाय के लिए लेके जा रहा हूँ, क्यों लेके जा रहा हूँ, तो इसमें भी आपको एक हैमर जैसे कैंडल देखने को मिली है, नॉर्मल वॉल्यूम नहीं आया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या है कि देखेंगे कल, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तब लेके जाएंगे, अगर नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, जो ये हैमर बना है वो आपके सपोर्ट के पास है। मैं सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, तो आप पास्ट में देखोगे तो इधर ये एक बार रेजिस्टेंस ले चुका था और इसको ब्रेक करके अबव आया, तो ये पहली बार उस लेवल के आसपास आया है, तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो अभी सपोर्ट की तरफ वर्क कर सकता है, तो इसीलिए मैं इसमें लेके जाना चाहता हूँ। और इसमें आप देखोगे कि 200 की मूविंग एवरेज उसी लेवल के आसपास आया, मतलब 200 की मूविंग एवरेज है, उसके अबव इसने क्लोजिंग दी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए, तो इसीलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। नॉर्मली आपके सपोर्ट के पास इसमें आपको एक हैमर देखने को मिला है, तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो, ये भी शायद हो सकता है कल आपको एक अच्छा सा अपसाइड देखने को मिले। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है TVS मोटर। अभी TVS मोटर को मैं क्यों लेके जाना चाह रहा हूँ, तो TVS मोटर में आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इधर एक इंगल्फिंग पैटर्न बना दिए, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इसको बोलते, तो ये बना दिए और एक वॉल्यूम के साथ है, तो इसीलिए मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ कल। अगर मेरे को कल इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली तब मैं इसमें बाइंग करूंगा। और नॉर्मली वही है कि आपको 200 की मूविंग एवरेज के अबव इसने क्लोजिंग दी है, तो नॉर्मली एक अच्छा पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। और जब आप इसको क्या है कि 1 आवर्स पे शिफ्ट करते हो तो आपको आइडिया आएगा कि जो ये रिवर्स हुआ बाद में आपको एक अच्छा सा वॉल्यूम देखने को मिला है, तो हो सकता है इसमें आपको कल कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग के लिए, तो इसको भी लेके जाओ, एक अच्छा स्टॉक है और एक अच्छे लेवल पे।
सो इसीलिए मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ कल के लिए। इसके बाद का और आखिरी स्टॉक है जो हमारा, वो कौन सा है जो हमारा आखिरी स्टॉक है, वो है सीएट टायर्स। तो सीएट टायर में क्यों लेके जा रहा हूँ, तो सीएट टायर में इसीलिए लेके जा रहा हूँ कि वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसमें आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ है, इसीलिए हम इसमें इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए। और आप इसको लेके जाओ, अगर ये इसका प्रॉपर हाई, जो ये कैंडल का प्रॉपर हाई है वो कल ब्रेक करके अबव निकल जाता है, तब आप इसमें अपनी बाइंग कर सकते हो, या तो वेट कीजिए थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आए, इस लाइन के आसपास से फिर से सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर जाने का कोई चांस देता है तब आप अपनी इसमें बाइंग बना सकते हो। लेकिन प्रॉपर एनालिसिस के साथ कोई स्टॉक लेके जाओ, कोई एंट्री लो, और नॉर्मली आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं इसमें क्यों लेके जा रहा हूँ बाइंग या सेलिंग के लिए। सो कोई अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कोई स्टॉक बाय या सेल कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो कल के इंट्राडे वॉच लिस्ट के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।